कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अजय सिंह लोहे बाजार की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजार में मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लार्जेस्ट मंडी, मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप, कास्ट आयरन, एचआरसी, सीआरसी कॉयल, साथ ही साथ सरिया के बाजार की जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे। तो चलिए बात करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट में आपने देखा कि बीते दिनों में बाजारों में ऊपरी स्तर से दबाव देखा जा रहा है। बाजारों में ऊपर में तेजी सस्टेन नहीं कर पा रही है। लगातार विदेशी बाजारों में दबाव के कारण आपने बाजारों में एक दबाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। एमएस इंगट का भाव 47,400 रुपये 200 रुपये घट कर बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 36,900 रुपये रहा। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपये रहा। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,500 रुपये, इम्पोर्टेड का भाव 41,500 रुपये बोला गया है। एचआरसी सीआरसी कॉइल की अगर स्थिति जानेंगे, लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 58,300 रुपये, सीआरसी कॉइल का भाव 63,100 रुपये रहा। गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 59,000 रुपये, सीआरसी कॉइल का भाव 66,000 रुपये। कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 56,100 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 62,300 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। चलिए जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति रही। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो आप मॉर्निंग 9:30 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह जो आप लोगों को जानकारी जो मॉर्निंग में दी जाती है सोमवार शुक्रवार, वहां पर आप जुड़ के अपने सवालों के जवाब भी आप जुड़ के पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं रायपुर एचबी वायर। रायपुर एचबी वायर का भाव 49,900 रुपये बाजारों में कामकाज रहा। जीआई वायर का भाव 54,100 रुपये मंडी में कामकाज होता हुआ नजर आया। एमएस पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का भाव 51,500 रुपये, रायपुर पाइप का भाव 48,100 रुपये रहा। सभी बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, जो सभी बाजार के भाव आपको बताए हैं यह सारे बेसिक रेट है। इस पर 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको हमेशा अलग से दे होता है। तो रायपुर एचबी वायर, जीआई वायर, एमएस पाइप के बाजारों में आपने स्टेबिलिटी के साथ कामकाज देखा है। अब जान लेते हैं टीएमटी क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ में अगर बात करेंगे, टीएमटी का भाव 52,400 रुपए, दुर्गापुर का भाव 47,000 रुपए रहा। इंदौर की अगर बात कर लेते हैं तो 52,700 रुपए, रायपुर का भाव 47,200 रुपए, जयपुर का भाव 51,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 50,700 रुपए, भावनगर का भाव 52,300 रुपए, गाजियाबाद का भाव 52,000 रुपए, जलना का भाव 52,700 रुपए, पटना का भाव 49,500 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। यह सारे बेसिक रेट है। इस पर 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। चलिए अब जानेंगे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोमवार के दिन अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ में सपोर्ट का लेवल 46,900 रुपए का है, रेजिस्टेंस का लेवल 47,900 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 36,400 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 37,300 रुपए का देखा जा रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए, लोहे बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी करेंगे तो बेटर है। आने वाले समय में एंगल पाइप गार्टर चैनल के भाव में जून मंथ में आपको एक अच्छी रिकवरी बाजार दिखाई देके चल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।